बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 ज़िलहिज की तारीख बहुत ही मज़लूमियत की हामिल है, क्योंकि आज ही की तारीख वह है कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नहायत ही बरगोजीदा सहाबी हज़रत मीसम तम्मार रहमतुल्लाह अलैह को इब्ने ज़ियाद मलऊन ने क़त्ल किया है, शहीद किया है। आप जानते हैं कि मवाली यानी हैदर कर्रार कभी भी मसाइब आलाम से घबराते नहीं थे, ये इनकी तारीख है, क्योंकि उनके सामने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफात, उनके कमालात इस तरह से आ चुके होते हैं कि दुनिया उनकी नज़र में हैज होती है। जितने दिन की जिंदगी खुदा उन्हें दुनिया में देता है उसे उसकी अमानत समझ के उसकी राह में सर्फ कर देते हैं, लेकिन उनका मंशा यही होता है कि जल्द से जल्द हम अपने काम को पाए तक व्हील तक पहुंचाकर अपने मालिक की बात ध्यान को बचाए। उन्हीं हस्तियों में से एक अजीम तरीन हस्ती हजरत मीसम तम्मार की है। मीसम तम्मार उस अजीम हस्ती का नाम है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मदीने से दारुल खिलाफा कूफे की तरफ मुंतकिल किया तो मीसम कूफे में सड़क के किनारे खजूर के पत्तों को बिछाकर उसमें फोरमे और खजूर बेचा करते थे। हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े शैदा, आपके चाहने वाले, आप बहुत मानने वाले हजरत मीसम तम्मार थे, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खुद भी मीसम तम्मार को इस दुनिया में अजर दिया कि आप मीसम तम्मार की उस मामूली सी दुकान पर जाके बैठा करते थे जिसके बारे में मीसम तम्मार खुद मौला से फरमाते थे, मौला ये जगह आपके शायान शान नहीं है कि हम आपको यहां बिठा सकें, आप यहां जाते हैं। तो मौला ने कहा, मीसम मैं जहां बैठ जाऊं वो जगह मिंबरे सलूनी होती है। और नतीजा ये होता, दुकान तो एक बहाना थी, न जाने कितने अफराद थे जो वहां से पंदो नसीहत और उलूम के बेपनाह आबशार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिसान अक़दस से, ज़बान मुबारक से वहां पर बहते थे और लोग उससे फैज याब करते होते। इसी ज़िम्न में एक दिन का वाकया है कि मीसम तम्मार कहीं चले गए, मौला कोई शख्स आया खजूर लेने के लिए, उसने सोचा दुकानदार नहीं है, कोई नया इंसान बैठा है। अच्छा, मौला की सबसे बड़ी खूबी होती है अपने हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छिपा के जाहिर ना हो सके, वरना बाजार में क्या हो रहा है, मीसम की दुकान पे जाना एक तरह से कहना चाहिए वो एक सर्वेलेंस सेंटर भी था, इल्म इमामत से सब पता था, मगर मुजरिम की गिरफ्त करने के लिए एहसास दिलाना भी जरूरी है कि हम तुम्हें यहाँ पे देख रहे हैं और तुम ऐसा काम कर रहे हो, अपने इल्म से फैसला करते हो। तो मुजरिम कह देता कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं थे, सरे बाजार रेड हैंड उसे पकड़ करके ईमानदारी के साथ बाजार की जुल्फों को सवारना और ताजिर और कहना चाहिए जो गाहक होता है खरीदने वाला, दोनों को बराबर का हक मिल सके, दुकानदार और कस्टमर को, इन सब पर अली इब्ने अबी तालिब की बहुत गहरी नजर थी, जिसका काम बैठ के वहां से आप किया करते थे और बाजार के हालात का जायजा भी लेते। बहरहाल उसने सिक्का दिया और खजूर लिया और चला गया। मीसम तम्मार आए, मौला ने जो खजूर बेची थी वो सिक्का मीसम के हवाले किया। मीसम कहते, या अली ये सिक्का तो खोटा है। तो आपने कहा, अभी बैठो, थोड़ी देर में तुम्हारे सामने नतीजा बरामद होगा। उसी असना में वो शख्स आया जो लेके गया था, कहा ये कैसी खजूर दे दी है आपने, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। तो मौला ने कहा, कैसा सिक्का दे दिया है, इस बात की तरफ इशारा है कि जैसा किसी चीज के एवज में तुम चाहते हो वैसे करो, चाहे खुदा की बारगाह हो चाहे बंदों के यहां हो, इसलिए मामलात बराबर के होने चाहिए, इसमें अदालत होती है, जब अदालत सही होती है तो इसी अदल के बिना पे अल्लाह का फजल हुआ करता है। बहरहाल
अब बात की तलखीस करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीसम तम्मार से मौला ने फरमाया, मीसम देखो ये फलात पेड़ है जिस पे तुम्हें सूली दी जाएगी, मेरी मोहब्बत में, मेरे जुर्म, मेरी मोहब्बत के जुर्म में। तो मीसम तम्मार ने कहा ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ है कि आपकी मोहब्बत में हमें सूली दी जाएगी। मीसम का रोज उस दिन से मामूल ये बन गया कि आप रोजाना जाते थे और उस दरख्त में पानी दिया करते थे। जिसका दरख्त था वो मालिक कहता था, वो मालिक कहता था ये मेरा पेड़ है, तो कहते थे कि यकीनन तुम्हारा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, कब्जा करने की कोई नियत नहीं है, मगर मेरे मौला ने कहा इसी पर हमको फांसी दी जाएगी, हमें सूली दी जाएगी, तो हम इस पेड़ को तरोताजा रखना चाहते हैं। ये बात सुनते सुनते इब्ने ज़ियाद के दरबार तक पहुंच गई। 22 ज़िलहिज की आज ही की तारीख थी जब हबीब इब्ने मज़ाहिर वहाँ, हबीब इब्ने मज़ाहिर और जनाब मीसम तम्मार दोनों की मुलाकात बाजार कूफा में हो गई। कूफे के पुरआशोब हालात पे गुफ्तगू होने लगी। एक बार दोनों में गुफ्तगू हो ही रही थी, मीसम ने कहा कि हबीब अब मेरा वक्त तो बहुत करीब आ गया है, और हबीब ने कहा मीसम आपका वक्त आपके पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं। इस तफसील में नहीं जाना, बहरहाल आपको मालूम है कि 22 ज़िलहिज को जनाब मीसम तम्मार की शहादत होती है, 10 मुहर्रम को जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की, 18 दिन का तकरीबन फासला है। बहरहाल उसके बाद मीसम तम्मार ने क्या किया कि आपको इब्ने ज़ियाद मलून ने मौला बाजार में घूम घूम करके मौला के फजाइल का बयान करना शुरू कर दिया। ये हुआ उसके बाद मीसम तम्मार ने जब ये काम शुरू कर दिया तो इब्ने ज़ियाद मलून ने मीसम तम्मार को बुलाया और मीसम तम्मार बाकायदा इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए और कफन पहन के गए। ये अकेली कौम है अली की चाहने वाली जो जिंदगी में अपना कफन रखती है और कफन पहन के निकलती भी है, समझे आप। तो किसी के कौम में इतनी जुहात, इतनी शिरात, इतनी हिम्मत नहीं है। ये अली केवल आयश से, अली की हिम्मत से ये हिम्मत पैदा होती है। तो आप जब वहां पे गए तो उसने कहा ये क्या कफन पहन के आए हो। कहा कहा क्यों। कहा इसलिए कि मेरे मौला ने खबर दी है जब इब्ने ज़ियाद तुम्हें बुलाए तो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से बुलाए। तो इब्ने ज़ियाद कहता है मीसम तुम्हारे मौला की बात हम झूठा करके दिखाएंगे। तो आपने कहा वाह है तुम पर जो जाने सदाकत हो उसकी बात को तू झूठा करके दिखाएगा। ये कह के अमीरुल मोमिनीन के फजाइल व कमालात के आबशार को गिराना शुरू कर दिया। अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं था कि मीसम को मार दिया जाए। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ठीक है मीसम, अगर ये बात है तो हम तुमको सूली दे देंगे, मगर सूली देने के पहले तुम्हें और भी अज़ियतें पहुंचाएंगे। वही पेड़ जिस पे मौला ने कहा था इस पर फांसी दी जाएगी, सूली दी जाएगी, मीसम तम्मार को लटकाया गया। पैरों में मेखे ठेकी गई, इधर मेखे ठुकती थी, फजाइल अली और तेज होता जाता था। इधर असीजो ये हुआ कि मीसम की जबान को काट लिया जाए, कटी हुई जबान से मीसम तम्मार ने फजाइल अली को बयान करना शुरू कर दिया। जबान कटी हुई जबान से वो लहू नहीं बह रहा था बल्कि अली के फजाइल कमालात का एक बेहद बेकरा था जिसका मनबा मीसम तम्मार की ज़ात। यहां तक कि एक बार कहा बता इब्ने ज़ियाद तू झूठा है या मेरा मौला सच्चा है। एक ऐसी मौत पर इसी पेड़ तूने कहा था हम कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन अब तू कत्ल करने पे मजबूर हो गया। एक बार उसी दरख्त के ऊपर जनाब मीसम तम्मार को सूली दे दी गई। अली का ही चाहने वाला चला गया मगर आज भी इसका रोजा बाकी है। मर्जा खलायक बन करके और दुनिया को ये पैगाम दिया कि फजाइल अली वो है कि जबान कट जाने पे भी जबान रोकना नहीं चाहिए। इसलिए दुनिया में हम सिर्फ मीसम तम्मार नहीं है बल्कि अली की मोहब्बत और वलायत को सच्चा खिराज देना है तो दुनिया में हर चाहने वाला, हर शैदा मीसम तम्मार बन के उभरे। यही सच्ची मोहब्बत भी है, मवद्दत भी है और वलायत को सही खिराज भी है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन।